हेलो मित्रों, चार सेट जो आज एक और से लेके हैं। इसका नाम है शांति गेयर्स लिमिटेड। ठीक है, ये तो बेसिकली जो कंपनी है गेयर्स में ही काम करती है। ठीक है, गेयर मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, तो चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट जो एक वीक लगाया मैंने, यहाँ देख सकते हैं आप, एक मिनट, एक वीक का चार्ट है। ठीक है, चार्ट ने आज ऑलमोस्ट 10% का अपसाइड मूव भी दिया है। इसने अच्छा मूव दिया है। तो और पीछे इसने अपना जो रिस्ट्रिक्शन था उसने ब्रेक किया था कप एंड हैंडल के उसमें फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कप एंड हैंडल, ये पढ़ा अभी बताया था मैंने पहले भी। कप एंड हैंडल जो ब्रेक होता है तो मार्केट अप ट्रेंड हो जाता है। इसने उसका ब्रेक किया और ऊपर चला गया। साथ में इसने मैंने से 40 EMA की भी, यहाँ पे देख सकते हो आप, साथ में जो चल रही लाइन, ये 40 EMA लगा रखी मैंने। ठीक है, ये वाली जो हैगी। और अभी इसने फिर से फॉर्म किया है, कप तो फॉर्म कर दिया इसने अभी यहाँ पे अपना। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन बना के। और इसने आज जो ब्रेकआउट दिया ना ऑलमोस्ट 10% का, उसे इसने ब्रेक तो कर दिया रिस्ट्रिक्शन अपना। ठीक है, 10% के साथ जो ब्रेकआउट दिया है वो ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्शन जो है ब्रेक हो चुका है इसका। हाँ, एक आध दिन हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट होगा यहाँ पे। ठीक है, हफ्ता भी हो सकता है कंसोलिडेट हो जाए। उसके बाद ये फिर नियर टर्म में आपको तकरीबन तकरीबन 525 तक के टारगेट दिखा सकता है आपको। ठीक है, ये। और अगर आप बहुत सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जो 40 EMA लगी है इसकी, उसके नीचे सस्टेन करता है, अगर ये अगर नीचे सस्टेन करता है तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, इसी EMA के नीचे सस्टेन करता है अगर, तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। नहीं तो अगर इसके ऊपर रुक जाता है, मान लो ऐसे यहाँ पे आप देख रहे हो पीछे दिखाई देता हूँ मैं, वाली चीज़ें जो है इसमें चीज़ें, ऐसे यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया उसने 40 EMA का। अगर ऐसे सपोर्ट लेता अगर यहाँ 40 EMA पे, इसी वाली पे, तो आप इसमें वाली बाय भी बना सकते हो इसी EMA पे ही। ठीक है ना, ठीक है ना, EMA पे इसे बाइंग बना सकते हो, ताकि यहाँ से फिजिकली वापस चला जाओ ऊपर और आपको प्रॉफिट पैसे पैसा बन सके आपका इसमें यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको टारगेट बता दिए हैं, 525 तक के टारगेट हो सकते हैं। और स्टॉप लॉस इसी के, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है EMA के, तो आप एग्जिट बनवा लेना, नहीं तो दोबारा बाइंग बना सकते हो और यहीं से वापस वापस ऊपर चला भी जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है वॉल्यूम बिल्डअप भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, जब मार्केट में वॉल्यूम आती है मतलब मार्केट एक तरीके से तैयार होता है कि अब ब्रेकआउट होने के लिए। ठीक, तो इसने इस कैंडल पे अच्छी अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दिया रिस्ट्रिक्शन। तो नियर फ्यूचर में आपको टारगेट बता दिया 525 की और स्टॉप लॉस आई। ठीक है, EMA का, उसके नीचे कर दो, आप स्टॉप लॉस ला के बाहर हो सकते हो। ठीक है, तो और भी शेयर के लिए बने चैनल पर। धन्यवाद।